नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट न्यूज। झारखंड की राजधानी में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज मिला। आपको बता दें कि रांची के हेहल बजरा मोहल्ले का रहने वाला 29 साल का यह मरीज चीन के शंघाई में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है। बीते 24 जनवरी को वह चीन से दिल्ली आया था। दिल्ली से वह बुधवार को रांची पहुंचा। आपको मैं बता दूं कि इधर रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक अच्छप ने बताया है कि मरीज को खून के नमूना लेकर जांच के लिए पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट अगले 2 से 3 दिनों में मिलने की उम्मीद है। वैसे मरीज को सांस लेने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो रही थी। तो आइए देखिए इसकी पूरी खबर रांची से। डॉक्टर से उनको तुरंत चेकअप कराया, आइसोलेशन वार्ड में हमने उसे रख दिया और वहाँ सारी व्यवस्था कर दी गई है। आइसोलेशन वार्ड में हैंड वॉश जो है वो टिश्यू पेपर N95 मास्क वगैरह सब कुछ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है PPE, सारी चीज व्यवस्था हो गई। कहीं आपका भी शहर तो कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आ चुका है? बता दें कि घातक नोवेल कोरोना वायरस की एंट्री भारत में भी हो चुकी है। केरल में एक छात्रा के कोरोना वायरस से प्रभावित होने का मामला सामने आया। छात्रा चीन से लौटकर आई है। वैसे चीन में अब तक 170 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 7000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि कैसे कोरोना वायरस की पहचान हो सकती है। नोवेल कोरोना वायरस 2019 के लक्षण शुरू में बहुत ही सामान्य होते हैं, बाद में एक झटके में लक्षण जाहिर करता है कि शुरुआती संकेत सांस लेने में थोड़ी तकलीफ, खांसी या फिर बहती हुई नाक है। ये भी ध्यान में रखें कि कोरोना वायरस परिवार के ज्यादातर वायरस नुकसानदायक नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ जो कीट मास्क ये सब जो मैंने जिसका जरूरत है वो सब उपलब्ध। अगर कोई व्यक्ति सामान्य कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन इस परिवार में 6 सदस्य रहे हैं जिन्हें जानलेवा कहा जाता है। अब नोवेल कोरोना वायरस 2019 इस परिवार का 7वां घातक सदस्य है। इन्हीं घातक वायरस में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी बीमारियां फैली हैं।